हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस गुलदाउदी के फूल से। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि गुलदाउदी फ्लावर प्लांट की एकदम आसान तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम करके इस पर ढेरों फूल पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, जो गुलदाउदी का फूल है वो विंटर की फूलों का रानी कहा जाता है। मतलब इस फूल को विंटर की रानी कहा जाता है। विंटर के जो जितने भी फूल की वैरायटी होती है उसका ये रानी मानी जाती है। और ये इस फूल के जो पौधे होते हैं ये सालों साल आपके पास बने रहते हैं अगर आप इन्हें समर में बचा लें। तो ये जो फ्लावर प्लांट होते हैं ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं और इससे ज़्यादा कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है। पूरा प्लांट फूलों से लद जाता है और पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते हैं। और इनके नर्सरी में बहुत सारे वैरायटी होते हैं। इन्हें अगर आप अच्छे सॉइल में लगाएं, थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं और काफ़ी दिनों तक इनके फूल रुके भी रहते हैं। इस प्लांट के लिए मस्टर्ड केक और नीम खली, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, DAP, NPK या फिर बोन मील, ये सारे फर्टिलाइज़र इनमें यूज किए जा सकते हैं जिससे कि इन पर बहुत ही अच्छे फूल आते हैं। इन प्लांट को आप छोटे और बड़े दोनों ही कंटेनर में लगा सकते हैं। और छोटे से भी प्लांट जो कि अगर कहीं भी लगा हो और उसकी केयर ना भी हो, तब भी विंटर में जब इसके फूल आने का टाइम होता है तो इन पे फूल और कलियां आ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनमें खूब फूल आए तो आप अपने गमले की मिट्टी जो हम लोग तैयार करके डालते हैं वो काफ़ी रिच डालिए, और मतलब पोरस हो, उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह की मात्रा अच्छी हो। साथ ही आप इसमें हर 10 दिन में नीम खली का जो आता है केक उसे आप भिगो कर रख दीजिए। हर 10 दिन में आप इस पर डालते रहिए तो उससे भी फूलों की जो मात्रा होती है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में इनमें कलियां और फूल आते हैं। ये देखिए, एक बड़ा सा पॉट है जिसमें कि मैंने लास्ट ईयर एक कटिंग लगा दी थी, और इसकी अब मैंने इस साल तो केयर भी नहीं की और ना ही नीचे से प्रून किया। तब भी देखिए, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी उस पर भी काफ़ी फूल आए हैं, और देख सकते हैं ये फूल के वजन की वजह से इस तरीके से ये लटक गए हैं और सभी पे फूल हैं। इसकी ना केयर करने के बावजूद भी इस पे फूल है। तो ये इतना हार्डी सा प्लांट है विंटर का कि अगर इसकी केयर ना की जाए तो भी इस पे अपने समय पे फूल आ ही जाते हैं, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इनके फूल 10 से 12 दिनों तक टिके रहते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा। और ये भी गमला उन्हीं में से एक है जिसको कि मैंने इस छोटे से पॉट में इस प्लांट को इस छोटे से पॉट में लगा दिया था, और आप देख सकते हो कि इसमें भी अब अपने टाइम पे बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं। तो इस प्लांट में जो फर्टिलाइज़र है मैंने वो बता ही दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें अप्लाई कैसे करना है। आपको मेरे पास गुलदाउदी की 4 वैरायटी है, अभी आगे जो मैंने दिखाया और एक ये, और स्टार्टिंग में मैंने 2 वैरायटी दिखाई है, टोटल 4 वैरायटी है। और उनमें से मैंने किसी भी प्लांट को इस साल परचेस नहीं किया है, ये सारे मेरे लास्ट ईयर के हैं। तो अगर जो प्लांट होते हैं उन्हें बूसी बनाने के लिए तो हम स्टार्टिंग में ही पिंच कर देते हैं, जो कि ब्रांच में डिवाइड होकर पूरे गमले को कवर कर लेती हैं और बहुत सारे ब्रांच पर बहुत सारी कलियाँ आती हैं। तो अब इनमें बात हो गई है कि जो फूल आ रहे हैं, बर्ड आ रही हैं, देखिए इस तरीके से कलियां आ रही हैं, तो इनके खिलने का टाइम अब आ गया है। तो इन्हें तो पिंच नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इनमें फर्टिलाइज़र डालने का टाइम तो अभी है। और इनमें जब इसमें फ्लावरिंग और बडिंग होती है तो इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है। तो नीम केक का जो फर्टिलाइज़र है उसे आप, तो इनमें जब जो नीम खली का, जो सरसों की खली का केक होता है वो आपको कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ 20 या 25 रुपए में 1 किलो आता है। उसे आप 3 से 4 दिनों तक पानी में भिगो कर रखिए। आधा किलो नीम खली केक को आप
10 से 15 लीटर पानी में भिगो कर रखिए, फिर उसे 2 से 3 दिनों के बाद वो यूज करने लायक हो जाएगा। फिर उसका एक एक ग्लास आप अपने हर गमले में डालकर इसका प्रयोग करिए और अपने प्लांट पे आप ढेरों फूल पा सकते हैं उसके प्रयोग से। और उसे आप हर जो फ्लावर वाले सभी प्लांट होते हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में कितने सारे फूल आए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, तो इसे आप ज़रूर से ख़रीदें और इस्तेमाल करें। और जो बोन मील होता है वो भी फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, उसे भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा नीम खली और DAP NPK ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10 से 15 दिन के अंतराल पे अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो गाइस, इसके अलावा भी मेरा एक चैनल है रेणुका किचन, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे उस पे मैं खाना बनाकर आपके साथ उसकी डिश शेयर करती हूँ, तो उसे भी आप देखें। और गाइस, ये देख सकते हैं ये एक और पौधा जिसमें कि बहुत सारे फूल और कलियाँ आए हुए हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।